अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ विद क्लासिक के साथ मैं हूं गज़ल संगर। शाहरुख खान 50 बेहतरीन अदाकारों की फहरिस्त में शामिल। बरतानिया की फिल्म मैगजीन एम्पायर ने अब तक 50 बेहतरीन बैन अलावा अदाकारों की फहरिस्त मुरतब की, जिस पर शाहरुख खान बॉलीवुड के वाहिद अदाकार हैं। कराची में हालात बेहतर हैं, बताखोरी बंद हो गई है, बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, शर्जील मेमन। कराची मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर इत्तला'आत व ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि वसीम अकरम की बातों को संजीदा नहीं लेता, कराची के हालात अब बेहतर हैं, भट्टाखोरी बंद हो गई है, 10 मिनट की कॉल पर अब शहर बंद नहीं होता। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक स्टंट था टॉम क्रूज़ ने वीडियो शेयर कर दी। टॉम क्रूज़ ऐसे अदाकार हैं जो अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं। 2023 में रिलीज़ होने वाली फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 के लिए टॉम क्रूज़ ने ऐसा किया। अदाकार ने ट्वीट करते हुए अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक स्टंट करार दिया। रूस से यूरोप जाने वाली गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद आग लग गई, 3 अफराद हलाक। रूसी हुकाम के मुताबिक गैस पाइपलाइन में धमाका रूस के जमहूरियत तातारिस्तान के शहर कज़ान में हुआ। रूसी हुकाम का कहना है गैस पाइपलाइन में धमाके के बाद आग लग गई और धमाके के बाद पाइपलाइन से गैस की फराहमी मुनक़िद। पंजाब असम्बली का अजलास जुमे तक मुलतवी। फुटबॉल के सुल्तान मेसी टीम के मरा ट्रॉफी लेकर अपने वतन अर्जेंटीना पहुंच गए, जहां इनके शानदार इस्तकबाल के लिए सड़कों पर शायकीन का सैलाब आ गया। सरगम मिस वर्ल्ड 2022 बनने में कामयाब। वैसे तो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और ऐसे मुकाबले लोगों को त्वचा का मरकज बनते हैं। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली 32 साल सरगम कौशल ने अमरीकी शहर लास वेगास में होने वाले मिस वर्ल्ड के मुकाबले में कामयाबी हासिल की। सरगम कौशल ने दीगर 63 खवातीन को शिकस्त देकर मिस वर्ल्ड 2022 का एजाज अपने नाम किया। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ चौके छक्के ही नहीं बल्कि तफरी भी ज़रूरी है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का कहना है हमने टेस्ट इंजॉय किया। साथियों से कहा था कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ चौके छक्के नहीं बल्कि तफरी भी ज़रूरी है। बेन स्टोक्स ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में फतह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सबको मालूम है जो किया है वो काफ़ी स्पेशल है। उन्होंने कहा कि इस कारनामे पर पूरी टीम को फख्र है। बड़े शरीर में खेलने की हिकमत अमली के बारे में यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, अभी बेटे की टीम को सपोर्ट करेंगे। बेटे के डेब्यू पर पूरी फैमिली खुशी से निहाल, इस मौके पर अपने जज्बात बयान नहीं कर सकता। वालिद रेहान अहमद। पाकिस्तान से मिलने वाली सपोर्ट पर शुक्रगुजार हैं, अच्छी यादों के साथ जाएंगे इंग्लिश कोच। कराची में टेस्ट सीरीज़ में फतह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ब्रेंडन मैकलम ने कहा मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने भी सीरीज़ में अच्छी क्रिकेट खेली, तीनों मैचेस में ऐसे लम्हात आए जिससे दोनों टीमें बहुत करीब आ गई। उन्होंने कहा अगर हमारा पहला सीरीज़ में भारी था तो पाकिस्तान को भी इनके मौके मिले, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी सीरीज़ रही जिसको फैंस ने बहुत इंजॉय किया। टेस्ट क्रिकेट हमेशा इसी अंदाज में खेली जाती रही है, पाकिस्तान ने सीरीज़ में जो किरदार अदा किया वो काबिल-ए-तारीफ है। फिल्म पठान में फिटनेस के लिए कपड़े धोए और किचन में भी काम किया शाहरुख खान। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान में फिटनेस को देखकर जहां इनकी मदा हैरान हो गई, इरफान खान ने इस फिल्म के लिए बनाए गए 6 पैक्स के रास्ते पर्दा उठाया और मदाहों को हैरान कर दिया। फिल्म पठान के लिए 6 पैक्स पर बात करते हुए शाहरुख खान ने बताया मैंने अपना वक्त बच्चों के साथ गुजारा, जिस्मानी तौर पर बहुत फिट हो गया, मैंने अपने घर का काम शुरू कर दिया था क्योंकि कुछ था नहीं करने को, कोविड में घरों में कैद थे लिहाजा जिम जाना शुरू कर दिया, घर के काम किए, फिटनेस बनाई, ये एक बेहतरीन वक्त था। और इनका कहना है कि 1 साल का वक्फा लिया था और ये लम्हा मेरे लिए बेहतरीन। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहरुख खान का कहना है कि उन्होंने फिल्म ज़ीरो पर भी बहुत मेहनत की थी लेकिन लोगों को फिर पसंद नहीं आई तो मैंने सोचा कि उन्हें फिटनेस पे काम किया जाए, अब दिल की नहीं करूँगा बल्कि वो करूँगा जो आवाम पसंद करती है। मेसी ट्रॉफी के साथ सो गए, तस्वीर वायरल। लियोनेल मेसी ने यह तस्वीर खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की। आज की बुलेटिन में बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।